हेलो फ्रेंड, आज हम लोग आए हैं मनी मंदिर। सिबलिंग के यहाँ 108 सिबलिंग है और मैं अपने एनिवर्सरी के दिन यहाँ के दर्शन करने आई हूँ। चलिए आपको भी लेकर चलूँ अंदर। ये देखिए, ये मंदिर है। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। मैंने नाम बहुत सुना था मगर मैं आई नहीं थी। ये देखिए कितने सारी गायें हैं। और चलते हैं अंदर। नंदी भगवान जी बाहर बैठे हैं। आपको पता ही होगा कि शंकर जी के मंदिर के ठीक बाहर नंदी जी बैठे रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी नंदी जी बैठे हैं। देखिए सबसे पहले भोलेनाथ जी। देखिए यहाँ से शुरू होते हैं महादेव शिवलिंग। मुझे अपनी एनिवर्सरी के दिन मैं यहाँ पर आई हूँ दर्शन करने के लिए। सब मेरे साथ करते हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए 108 शिवलिंग है टोटल। 108 शिवलिंग यहाँ पर, टोटल 108 शिवलिंग है। मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी, मुझे तो बहुत दिनों से इच्छा थी मैं इस मंदिर के दर्शन करूं। और बहुत सुना था मैंने नाम, मगर मैं दर्शन करने आ नहीं सकती थी। और मुझे क्योंकि पता नहीं था कहां पर लोकेशन, मगर आज को मैं अपनी एनिवर्सरी के दिन यहाँ के दर्शन करने आई हूँ। देखिए मेरे पीछे टोटल 108 शिवलिंग है और ये ठीक दुर्गा कुंड के पास में है। ज़्यादा दूर भी नहीं है, खोजने में भी दिक्कत नहीं है। देख इस पूरा 108 शिवलिंग कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए ऊपर का कितना सुंदर है। मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है आकर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, मन खुश हो गया। चलिए मैं पूरे शिवलिंग उधर भी मैं दिखाती हूँ। चलिए आपको उधर भी शिवलिंग है, उधर के भी दर्शन करती हूँ। देखिए यहाँ पर भी शिवलिंग है। ज्योतिलिंग शंकर देव पर। देखिए बाहर का भी कितना अच्छा है। बाहर में भी मंदिर है, सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, मगर अभी रात हो गई तो हम लोग नहीं जाएंगे। माता रानी जी, जय माता रानी, जय माता रानी।
देखिए कितना सुंदर है। देखिए टोटल 108 सिबलिंग है यहाँ के। परिवार लक्ष्मी नारायण। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पूरे 108 शिवलिंग। देखिए 108 शिवलिंग कितने अच्छे लग रहे हैं। कितना सुंदर है। मन्ना देख रही है। मन्नो देखिए यहाँ हाथी कितने अच्छे हैं। देखिए हाथी लोग का स्टैचू। मंदिर देखिए इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है मंदिर। चलिए इधर भी चलते हैं। देखें भैरव जी का मंदिर है लगता है। हाँ बाटुक भैरव जी मंदिर। ये श्री भैरव मंदिर। और इधर है नवग्रह मंदिर है श्री। देखिए माता जी है। और मंदिर मैं दिखाती हूँ। देखिए पूरा मंदिर देखिए बाहर का। देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है। और आप भी यहाँ पर जरूर आइएगा मंदिर देखने के लिए। कभी आप दुर्गा कुंड जाइए तो दुर्गा कुंड के ठीक आप कभी दुर्गा कुंड आएंगे वाराणसी आएंगे। वाराणसी में आपको दुर्गा कुंड और मेन संकट मोचन मंदिर और दुर्गा कुंड के ठीक थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आपको मणि मंदिर मिलेगा। तो आप मणि मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ 108 शिवलिंग है और इतने सुंदर है। और देखिए मैंने आपको वीडियो में दिखाया मगर अपने खुद आकर आप यहाँ पर दर्शन कीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके बाय। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और ओके बाय।